होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फाइनली है इंग्लिश लेवल टू जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें देख लेते हैं कट ऑफ मार्क्स कितने रखे गए हैं। नल्टी एस पी एरिया यानी जनरल की कट ऑफ कितनी रखी गई है, बाकी अन्य कैटेगरी है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं मार्क्स, जैसे जनरल के 206 कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं। EWS की बात करें 192 कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं। SC की बात करें 172 कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं। मेल और फीमेल सेम ही रखी गई हैं। ST की बात करें 137 मार्क्स रखे गए हैं। OBC की बात करें 196 मार्क्स है और MBC की बात करें 172 मार्क्स है। शेरिया पास नहीं कर पाए, बाकी ये हॉरिजेंटल कट ऑफ है जो कुछ डिसेबिलिटी से संबंधित होती है। TSP एरिया की बात कर लेते हैं, जनरल की बात करें 147 मार्क्स हैं। SC की बात करें 106 मार्क्स हैं और ST की बात करें तो 84 मार्क्स हैं। बाकी ये हॉरिजेंटल कट ऑफ है कुछ डिसेबिलिटी को लेकर। ये विशेष शिक्षा वाले हैं यानी BEd है, वो विशेष से करते हैं, उनकी ये कट ऑफ मार्क्स है। ये तो जो भी 19 क्वेश्चन कराया उनका भी सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे। तो और ये विशेष शिक्षा जो HI डिसेबिलिटी होती है, तो TSP एरिया में जो भी 3 क्वेश्चन कराया वो भी सिलेक्ट हो गए। यहाँ पर 150 क्वेश्चन में थे 3 क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर कुछ नए कट ऑफ हाई रही है, तो यहाँ पर करीबन 30 क्वेश्चन करके आया है, वो उनका सिलेक्शन हो गया है। ये कुछ इसमें रोल नंबर रो है दे रखे हैं, यानी आप कह सकते हैं ये कोई हाई कोर्ट में वो लगी है याचिका। तो निश्चित तौर से जब कोई फैसला आएगा तो इनकी जो भी सीटें होंगी इन्हें रिजर्व रख लिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है, कट ऑफ है ये आपकी जो आपके 8782 पदों पर ये भर्ती करवाई गई थी। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।